दोस्तों, अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं और आपका जो बजट है वो मात्र 4000 रुपये के आसपास होने वाला है एंट्री लेवल स्मार्टफोन, तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ 4 से 5 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको काफ़ी अच्छे फीचर के साथ मिलते हैं। उसमें बात कीजिए चाहे कैमरे की, चाहे बात कीजिए डिस्प्ले की, बैटरी बैकअप की, साथ में आपको बताएंगे कि फेस अनलॉक की सुविधा भी मिल जाएगी आपको मात्र 4000 रुपये के बजट में। तो आइए जानते हैं वन बाय वन वो कौन सा स्मार्टफोन होने वाला है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी सबसे पहले मिले। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको वन बाय वन सारे स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ 4000 रुपये में वो कौन सा स्मार्टफोन है जो कि आपको मिल जाएगा काफ़ी अच्छे फीचर के साथ। यहाँ मैंने सभी स्मार्टफोन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहें तो वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कितना प्राइस होने वाला है। आप अमेज़ॉन के थ्रू आप बाय भी कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा सभी स्मार्टफोन का। दोस्तों, अब बात करते हैं सभी स्मार्टफोन के बारे में वन बाय वन। तो सबसे पहले नंबर पर आता है स्मार्टफोन कूलपैड का। जी हाँ दोस्तों, कूलपैड का मेगा 5A जो कि आपको वेरियंट में 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज साथ मिलता है। यहाँ पे आपको गोल्ड कलर में ये मिल जाता है। अगर बात की जाए इसकी स्पेसिफिकेशन की तो आपको यहाँ पे 13 MP का बैक कैमरा मिलता है, 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। यहाँ पे अगर बात की जाए इसकी डिस्प्ले की तो आपको 5.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है, IPS डिस्प्ले, जो कि ठीक ठाक डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा बात की जाए इसकी बैटरी बैकअप की तो आपको 3000 mAh की बैटरी मिल जाती है। यहाँ पे अगर बात की जाए इसके 4G सपोर्ट की तो आपको दोनों सिम में 4G सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों, ये था पहला स्मार्टफोन कूलपैड मेगा 5A। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जियोनी स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, देखने में काफ़ी डैशिंग लुक आपको दिखाई देता है। जियोनी F205 ब्लैक में मिलता है जो कि आपको 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज साथ मिलता है। यह आपको लगभग 4300 रुपये के आसपास मिल जाएगा। यहाँ पर अगर बात कीजिए इसकी स्पेसिफिकेशन की तो आपको यहाँ पर जो बैक कैमरा मिलता है वो 8 MP का, फ्रंट कैमरा 5 MP का, और डिस्प्ले जो मिलता है वो 5.45 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है, IPS डिस्प्ले, जो कि ठीक ठाक डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा बात की जाए इसकी जो बैटरी बैकअप है तो आपको यहाँ पे लगभग 2700 mAh की बैटरी मिल जाती है और MediaTek का प्रोसेसर मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको 4G स्लॉट मिलता है, ड्यूल सिम में 4G सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये था दूसरा स्मार्टफोन जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन मिल जाता है आपको काफ़ी अच्छे लुक के साथ, जियोनी F205। दोस्तों, ये तो हो गया दो स्मार्टफोन। अब बात करते हैं तीसरे स्मार्टफोन की। तो तीसरे नंबर पे आता है माइक्रोमैक्स i1 नॉच। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको 2 GB 16 GB वेरियंट में मिलता है। लेकिन यहाँ पे बात की जाए इसके खास फीचर की तो आपको यहाँ पे फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है जो कि अभी तक के किसी फ़ोन में आपको नहीं मिलेगी 4000 रुपये के बजट में। यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए इसके प्राइस की तो आपको ये लगभग 3800 रुपये के आसपास मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए इसकी स्पेसिफिकेशन की तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले का। तो यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो 5.45 इंच का HD डिस्प्ले मिल जाता है। इसके बाद आपको जो बैक कैमरा मिलता है वो 5 MP का, फ्रंट भी 5 MP का मिलता है। इसके अलावा जो आपको बैटरी बैकअप मिलती है वो 2200 mAh की बैटरी मिलती है। तो ठीक ठाक बैटरी आपको मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो इसका मेन पार्ट है वो है फेस अनलॉक जो कि आपको मिलता है। इसके अलावा आपको एंड्रॉयड 9P का सपोर्ट मिलता है जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन आपको मिल जाएगा। मात्र बजट जो है वो 3800 रुपये है जो कि लगभग 4000 रुपये से 200 रुपये कम में आपको मिल जाता है। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 4000 रुपये के बजट में 4G। दोस्तों, इसके बाद जो चौथे नंबर पे स्मार्टफोन आता है वो भी आता है माइक्रोमैक्स की तरफ से, माइक्रोमैक्स कैनवस 2। जी हाँ दोस्तों, Q4310 ये भी आपको लगभग काफ़ी अच्छे बजट में मिल जाएगा, लगभग 4500 रुपये के आसपास। इसका बजट थोड़ा ज़्यादा है, 2400 रुपये ये ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे आपको 3 GB रैम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 3 GB रैम और 16 GB की स्टोरेज मिलती है जो कि लगभग आपको 4500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। यहाँ पे अगर बात की जाए इसकी स्पेसिफिकेशन की तो आपको यहाँ पे जो कैमरा मिलता है वो 13 MP का बैक कैमरा मिलता है। यहाँ पे अगर बात की जाए इसके फ्रंट कैमरे की तो आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, 5 इंच की HD IPS डिस्प्ले मिल जाती है। यहाँ पे अगर बात की जाए इसके प्रोसेसर की तो आपको यहाँ पे MediaTek का प्रोसेसर मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए इसके बैटरी बैकअप की तो आपको 3050 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि आपको बैटरी काफ़ी अच्छी मिलती है स्मार्टफोन में। तो दोस्तों, ये था चारों स्मार्टफोन जो कि मैंने आपको बताया, कूलपैड, जियोनी, माइक्रोमैक्स और एक माइक्रोमैक्स कैनवस। ये 4 स्मार्टफोन थे जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो क्लिक करके प्राइस देख सकते हैं या बाय भी कर सकते हैं अमेज़ॉन के थ्रू। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, ये था 4 स्मार्टफोन। अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं, अगर बजट उसका 4000 रुपये है, तो आप इन 4 स्मार्टफोन में से एक नया स्मार्टफोन ले सकते हैं।
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार ऐसे वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।